I often queried that why my success should come at someone's failure, or why would my success mean that someone must lose? There has to be a way where we all can win, and because this goes against the established thinking and psychology, therefore it needs a paradigm shift. Let's come together, understand each other, and fight the common enemy. जो अमन तेरी राहों पे चले, दिल हाजिर है हम हाजिर हैं, दुनिया वाले एक साथ मिले, दिल हाजिर है हम हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तानी जीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके इलम है, अंसार कबीला टीवी की अपने शहर चविंडा में प्रोग्रामिंग चल रही है। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके तमाम अहवाल, उनकी बातें आप तक पहुँचाएँगे। आप देख रहे हैं एक स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं शहरी चविंडा की खूबसूरत इल्मी शख्सियत प्रोफेसर महबूब आरफ साहब, वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम अहवाल आपके सामने लाएंगे। मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि चविंडा की जो धरती है, ये इस धरती में बेशुमार गुण समाए हुए हैं। ये धरती ऐसी धरती है जो उसातिज़ा के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है। सर तुफैल साहब, जिनसे हम पढ़ते रहे थे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, जिनसे हमने बहुत कुछ समझा, उनके साहबजादे आज आपके सामने हैं, अंसार कबीला टीवी की रौनक बने हुए हैं। हम इनसे इनके अहवाल जानेंगे और थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगु अपने शहर के हवाले से भी और शहर से बाहर जो तालब इलम इलम हासिल कर रहे हैं उनके लिए जो मुफीद मशावरत है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया अमीर कैसर साहब। पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने शहर के लोगों से, अपने दोस्त अहबाब से, आपकी वसादत से मुखातिब हो सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सर, ये अंसार कबीला टीवी की खुशकिस्मती है कि आप जैसी शख्सियत इस खूबसूरत चैनल की रौनकें बन रही हैं। सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि सर, आपने जो इब्तदाई तालीम थी वो इसी शहर से या शहर से बाहर हासिल की थी? मैंने मेरी सारी इब्तदाई तालीम इसी शहर की है। पाँचवीं तक हम प्राइमरी स्कूल नंबर एक में पढ़ते रहे हैं और वहाँ मेरे बेशुमार असातिज़ा थे, लेकिन उनमें से जिस शख्सियत ने मुझ पर बड़े असर छोड़े हैं वो मरहूम अशरफ भट्ट साहब थे। उसके बाद फिर मैं तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल चविंडा में चला गया। वहाँ मेरे असातिज़ा में मेरे वाले साहब और फिर मरहूम सैयद अकबर शाह गिलानी, इनके अलावा जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी तवज्जो से शफकत की और पढ़ाया, मरहूम काजी सईद अहमद साहब, मोहतरम असलम बाजवा साहब और फिर हमारे उस्ताद थे जनाब ज़ियाउल्लाह बाजवा साहब, कोडली सईदा से हैं। हमारे स्कूल में ना उस वक्त चौधरी नज़ीर अहमद साहब मरहूम हेडमास्टर थे। क्या खूबसूरत शख्सियत! वो 80 की दहाई में भी स्कूल आते थे ना, तो पेंट कोट पहन के, बड़ी वजी शख्सियत। तो उनके दौर में स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा था। हमारे साइंस टीचर थे अशरफ बाजवा साहब, जफरवाल से थे। ये सारे लोग इंतहाई मेहनती और डेडिकेटेड, कमिटेड लोग थे। तो ये आज इन्हीं की वजह से है कि हम भी चलें कोई पढ़ लिख के थोड़ा सा इसी मैदान में मुंसलिक हुए। तो मेरी जो है ना मैट्रिक तक तालीम वो गवर्नमेंट तबलीग हाई स्कूल चविंडा से है। उसके बाद फिर मरे कॉलेज सियालकोट, मरे कॉलेज से फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर, वहाँ से मैंने एमए इंग्लिश किया। तो इस तरह ये तालीमी सफ़र जो है ना, ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस तक पहुँचा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर एक चविंडा से शुरू होकर। जिंदाबाद। शहरी चविंडा के जिन उसातिज़ा से आपने तरबियत हासिल की, यकीनन उन्होंने शहरी चविंडा के बेशुमार लोगों को, बेशुमार बच्चों को तरबियत उन्होंने की है। हम अंसार कबीला टीवी तमाम उसातिज़ा को खराज तहसीन पेश करता है। सर तुफैल साहब की बात करते हैं, वाले साहब हैं आपके, उन्होंने भी बेशुमार तलबा की रहनमाई की, बेशुमार तलबा उनके हाथों से पढ़ते हुए अपने आला मकाम तक गए। तो मैं आपसे ये अपने नाज़रीन के लिए गाही चाहता हूँ कि बहसियत बाप आपने सर तुफैल से क्या सीखा, क्या पाया? सारा कुछ उन्हीं से सीखा है। अभी तक बस हमारे घर में उन्हीं का कंट्रोल है, उन्हीं की राय हतमी है।
गो के मेरे से उनका रवैया बड़ा दोस्ताना सा है शुरू से, लेकिन मैंने स्कूल में भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे वाले साहब ने मुझे ना कभी किसी चीज़ से रोका नहीं। मेरी मुझसे पूछते ज़रूर हैं, मेरी राय भी लेते हैं, और फिर मुझे तकरीबन मुकम्मल आज़ादी है हर काम में। तो मेरे इब्तदाई दिन से लेके आज तक उन्हीं की वजह से है सारा कुछ जो मेरे पास है। जिंदाबाद। अल्लाह पाक सर तुफैल को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी उम्र से नवाजे। सर, चविंडा में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारे मुआशरे में इखलाकियात की कुछ कमी है? कुछ कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, लोग कहते हैं ना मुआशी मसला, पाकिस्तान का मसला मुआशी मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला अखलाकी मसला है। मीर साहब, चार मेरी ज़ाती राय में जो ये दो लफ्ज़ जिनकी हम बात कर रहे थे ना, तालीम और तरबियत, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। आप ज़रा एक बात पर गौर करें, शायद आपने कभी सोचा है कि नहीं, कि इस वक्त चविंडा में सुपीरियर कॉलेज, पंजाब कॉलेज, एस्पायर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ और वुमेन, स्कूल कितने हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, हर गली में स्कूल है, ब्रांड भी हैं। अच्छा, हर दूसरे बच्चे के पास एमए की डिग्री भी मौजूद है। लेकिन जब हम मुआशरती बिगाड़ देखते हैं ना, तो यही पढ़ा लिखा आदमी दफ्तर जब बैठता है, रिश्वत, बदउनवानी, दो नंबरी, किस किस बात का बंदा जिक्र करे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तालीम बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सिमत दुरुस्त नहीं है। मेरी ज़ाती राय में शायद इस खराबी की वजह जो है ना, वो चार दरसगाहें हैं दुनिया में इंसान को इंसान बनाने की। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, एक माँ की गोद है, महल्ले की मस्जिद है, तालीमी अदारा है और खानकाह। बदकिस्मती से हमारे माशरे में चारों चीज़ें बांझ हो चुकी हैं। माएँ जो है ना, वो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, उन्हें सिखाती हैं क्या अपना पानी की बोतल दूसरे बच्चे को नहीं देनी, दूसरे बच्चे से शेक हैंड करते हुए एहतियात करनी है, ज़रा इनको तो परे हटा के बिठाना है। उनका सारा फोकस कलर्स पे है, स्टार लेके आने हैं, ये करना है। कभी किसी माँ ने, जब स्कूल बच्चे का बैग तैयार करती है ना, तो कभी किसी माँ ने अपने बच्चे से ये नहीं कहा कि देखो बेटा झूठ नहीं बोलना, अपने स्कूल को साफ सुथरा रखना है, अपने स्कूल की हिफाजत अपने घर की तरह करनी है और बड़ों की इज्जत करनी है। ये एक मिनट लगता है ये चार चीज़ें कहने में, अगर पूरा महीना, फिर पूरा साल, फिर पहली क्लास, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप पांच साल अपने बच्चे को माँ बैग तैयार करते हुए ये बातें सिखाए ना, बच्चा बड़ा होकर कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारा सारा जोर नंबर लेने पे है, डिग्रियाँ लेने पे, छः छः एमए किए हुए हैं, और बदकिस्मती से फिर शायद वक्त की ज़रूरत तो इस हद तक नहीं थी जिस हद तक बना ली गई है कि तालीम को भी प्योरली जो है हमने एक कारोबार बना लिया। मैं समझता हूँ अकेडमियाँ, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यकीनन ज़रूरत है, लेकिन शायद किसी हद तक इन्हें जो है ना वो एक मिशन भी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमने इनको सिर्फ और सिर्फ कारोबार बनाया, सारा फोकस पैसे कमाने पे, और यही वजह है कि इंसानियत कम से कम होती जा रही है। एक रेसिप्रोकल, एक हम जो जिसे ना माकूस बोलते हैं, होना ये चाहिए था कि तालीम बढ़ती जाए, माशरा बेहतर होता जाए, लेकिन यहाँ कि तालीम जिस तेज़ी से बढ़ रही है ना, खराबियाँ कई गुना तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी सिमत दुरुस्त नहीं है, और किताबें किताबें किताबें, डिग्रियाँ 100 में से 100, 1000 में से 1000, 1100 में से 1100, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इंसान बने। और दूसरी, मीर साहब, मेरी ज़ाती राय में उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो खेल के मैदान ना होना है। आपको भी पता है, हम जब छोटे थे तो चविंडा में कम से कम 8-10 जगह थी जहाँ सैकड़ों बच्चे खेलते थे। जो बच्चा 2 घंटे गेम करता है ना ग्राउंड में, वो शाम को आके बेसो धो के लेट जाता है, उसको पता ही नहीं उसने चैट करनी है, उसने नेट पे जाना है, उसने बिलर्ड पे जाना है। अब चूंकि खेल के मैदान वीरान हो गए और बच्चे का सारे का सारा जो उसका फोकस है ना, वो इस पे डिवाइस पे हो गया, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। अखलाकी बिगाड़ तो चलो होने ही थे, सेहत का बेड़ा गर्क हुआ, कंपटीशन की जो थी ना सेंस वो ख़त्म हुई, फिर वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं ना, वो ख़त्म हुई। चुनाचे ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मिलजुल के ना तो हमें इस नहज तक पहुँचाया है। यंग टीचर्स हैं आज जो हमारे इदारों में जो पढ़ा रहे हैं,
जब हम पढ़ते थे हमारे जो उसातिजा थे वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े होते थे, एक रिस्पेक्ट का एक जो है ना वो आंसर हमें ऑटोमेटिकली पाया जाता था। क्या आज जो यंग टीचर्स आए हैं, क्या ये रिस्पेक्ट एक जैसा रूहानी बाप कहा गया है उस्ताद को, कुछ कमी आई है? बहुत ज़्यादा कमी आई है, और उसकी वजह पता है क्या है? अगर ये यकीनन यंग टीचर्स मेरी बात सुनेंगे और उनको अच्छी नहीं लगनी, लेकिन मुझे कहना है सबसे बड़ी, ये बहुत ज़हीन लोग हैं, ये जो नौजवान टीचर भर्ती हो, नहीं हमसे ज़्यादा ज़हीन है, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि डे वन से इनका फोकस जो है ना वो पैसा है, अकेडमी फिर अकेडमी फिर अकेडमी फिर अकेडमी। थोड़ा सा ना ये ज़रा दो बातें मीर साहब कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, या आप बंदा कमा लें या आप पैसे कमा लें। देखिए, आप मेरे पास को काम लेके आते हैं, मैं आपका काम कर देता हूँ, आप हमेशा मेरी कदर करेंगे, लेकिन मैं आपसे पैसे लेके काम करूँ तो फिर आपको ज़रूरत भी नहीं मेरी कदर करने की। या पैसा कमाएं, इज्जत कमाएं, या बंदे कमाएं। मैं ये नहीं कहता कि पैसा इनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन शायद इन्होंने पैसे को अपनी बहुत बड़ी ज़रूरत बना ली है। मुझे मेरे अपने कॉलेज में, मुझे चूँकि 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, यंग लोग आते हैं डे वन से आ कहते हैं सर को अकेडमी बना दें, सर को अकेडमी बना दें। तो ये रुझान जो है ना, इसकी हमें किसी ना किसी हद तक हौसला शिकन करनी है, और उसका नुकसान फिर ये हुआ है कि उनका सारा फोकस पढ़ाने पे है, वो खुद स्टडी नहीं करता, टाइम ही नहीं होता। उस्ताद को तो सारी उम्र पढ़ना चाहिए, लेकिन इब्तदाई साल इस हवाले से बड़े ज़रूरी हैं कि सेल्फ स्टडी जो है ना, उस्ताद रात को पढ़े फिर जाके पढ़ाए। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि वो अपनी फैमिली को दे सकें, वो एक अकेडमी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अकेडमियों का रोला रहता है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। सर, ड्यूरिंग एजुकेशन जब एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, उस दौरानिए में वो अपने मुआशरे में किस तरह सर्व कर सकता है? देखिए जी, मुआशरे में सर्व करना जो है ना, मैं समझता हूँ उसका एक फेज़ है, और शायद वो तालीम हासिल करने के बाद का जो फेज़ है ना वो है। तालीम हासिल करने के दौरान ऑब्वियसली वो अर्निंग एंड तो है नहीं, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे पैसे के लिए, वो क्या सर्व कर सकते हैं? हाँ, जिस तरह हम छोटे होते थे ना स्काउट्स बने हुए थे, फिर एक जांबाज फोर्स हुआ करती थी, फिर हम कॉलेजेस में जाते थे तो NCC, तो ये एक मुनज़्ज़म सी एक ना होती थी फोर्स, और वो मुआशरे में कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए ना कोई रोल तय कर लिया कि ये करना है। मसलन आज स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे, अगर उनका उस्ताद उनमें ये अवेयरनेस दे कि हफ्ते में एक दिन या 15 दिन बाद या महीने में एक दिन उन्होंने शहर की सफाई के लिए निकलना है, प्लांटेशन करनी है, या लोगों को अवेयरनेस देनी है जाके जी अपनी गली को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, कम से कम इस हद तक वो बच्चे काम कर सकते हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं ताकि लोगों को ना थोड़ी सी आगाही इस बारे में हो। सर, हमारे जो यंगस्टर हैं, तालिब इल्म हैं, उनके लिए कोई मुफीद मशवरा? मेरा तो उनके लिए मशवरा यही है कि नंबरों की दौड़ से निकल जाएं, नंबरों पे ज़रूर फोकस करें, लेकिन सिर्फ नंबरों पे फोकस ना करें, मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करें, और वो ये है कि एक अच्छा इंसान बने, दूसरों को अच्छा इंसान बनने की तरगीब दें। और अब तय हुआ क्या अमीर साहब, क्रिएटिव माइंड ख़त्म हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप और नंबरों के दौड़ में आप जो बच्चा 1100 में से 1098 नंबर लेके आता ना, आप उसे एक ऐसे दें वो लिख नहीं सकता, उसकी वजह है कि उसका क्रिएटिव माइंड जो है ना वो बड़ा इफेक्टिव है, क्रिएटिव एक्टिविटी जो है ना वो बड़ी मुतासर हुई है। उसके लिए उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी किताबों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ें। हुआ ये है कि मोबाइल ने दो चीज़ें जो है ना वो तालिब इल्म को दो चीज़ों से दूर किया है, उस्ताद से और किताब से। इन्हें जल्दी या देर से उस्ताद की तरफ भी आना पड़ेगा, किताब की तरफ भी आना पड़ेगा। अब नेट पे जाते हैं ना जी, मैं नेट से मटेरियल, अच्छा उसकी क्या ये है गारंटी कि वो ऑथेंटिक है? नंबर दो, आप 4 सफ़े नेट से ले लेते हैं और आप उसको हतमी समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी करें, नेचर से अपना ताल्लुक थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को कंपल्सरी अपने लिए कर ले कि थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल है तो वो प्ले ग्राउंड में जाए, अगर पॉसिबल है तो। शऊर क्या है और ये कौमों के लिए कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है शऊर
सबसे जरूरी है ही शऊर। और शऊर क्या है? हम ये महसूस करें कि हमारा मकसद क्या है। देखें ना, एक तो दुनिया में आने का मकसद है, चलें अल्लाह ने इंसान बना दिया। मुझे कभी ये सोचना चाहिए कि मैं एक सिर्फ एक इंसान पैदा हो गया, मैं पढ़ा हूँ ना, मैंने तालीम हासिल की है, तो इस तालीम ने मुझ पर क्या जिम्मेदारियाँ डाली हैं। मैं समझता हूँ जब मैं उनका थोड़ा सा इदराक करूँगा ना, एहसास करूँगा, तो फिर मैं कहूँगा कि मैं शौरी तौर पर कुछ करने जा रहा हूँ। तो शऊर जो हमने बात हमने शुरू की थी तालीम और तरबियत से, तालीम ठीक है, वो जो शऊर है ना वो अपने मुकाम का सही इदराक है। वन शुड नो वन्स रोल, मकसद क्या है बैठने का, जाने का, आने का, तालीम, इवन तालीम का क्या मकसद है, ये भी तो शऊर है ना। तो हमारे यहाँ पे आप देखते हैं ना कि माशरे में खराबियाँ, उनकी बहुत बड़ी वजह एक तो तरबियत ना होना है ना, दूसरा ये है कि शऊर की बहुत कमी है। शायद हम ये समझते हैं कि मेरे ख्याल शायद उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, लाशौरी तौर पर शायद हम लाशौर की दुनिया में ज़्यादा चले गए हैं, कॉशियस वर्ल्ड में हम नहीं रह रहे, और शायद यही वजह है कि हम लोगों से बहुत पीछे हैं। हमारे इश्यूज़ छोटे छोटे क्या हैं आप ज़रा देखें, हमने यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जॉब करने जाना है तो 1.5 घंटा हमें कन्वेंस में लगता है, और कन्वेंस वो है जिसमें बंदा इज्जत से सफर कर सकता है। फिर वहाँ जाके हालातों वाकया, घर से निकलते हैं तो हम ये तय कर लेते हैं कि आज हमने ज़हनी तौर पे, यानी मैं अब क्या इसको क्या नाम दूँ, एक तो पैसे के दौड़, दूसरे हालातों वाकयात इस किस्म के हैं कि इंसान की ज़हनी सलाहियतें जो है ना सारी वो यहीं पे क्रश हो रही हैं, और शायद जो काम उसे सही तरीके से करना चाहिए ना वो बावजूद कर नहीं पा रहा। तो शायद फिर बाज़ लोग समझते हैं कि बंदा शऊर की दुनिया में ना ही रहे, जैसे कहते हैं ना अकल ना है तो मौजा ही मौजा, शायद इस मुआशरे में कुछ लोग शौरी तौर पर शऊर से बहुत दूर जाना चाह रहे हैं। तो संजू कर सर से जानने की कोशिश करते हैं, शहरी चुविंडा में यकीनन इनके दोस्त अहबाब जो इनके साथ पढ़े हैं अकेले होते हैं, उनके बारे में इनके क्या ख्याल हैं? जी सर, मीर साहब यकीनन मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ जो हैं वो बचपन से लेके अब तक मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, बेशुमार जगहों में, इनमें मेरे शायद सबसे पुराने दोस्त कार्पेट साहब, पहली जमात से हम इकट्ठे हैं, एजुकेशन के वाले से आपसे बोलते हैं, मेरा नाम है, और मैं कम अज़ कम हर हवाले से समझता हूँ जो मेरे से ज़्यादा कम्पिटेंट एजुकेशनिस्ट हैं, अभी हमारे कॉलेज के इस वक्त के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नवाज साहब, वो भी हमारे पास और बेशुमार दोस्त हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। तो मेरा ख्याल है शायद मुझे भी उन सबको यही चाहिए कि जहाँ भी हम हैं हमें इस माशरे में अपना मुस्बत जो किरदार है वो अदा करना है। चुंडे की बात आप समझते हैं, तो चुंडा का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है शायद वो सियासत की नज़र हुआ है, शायद अरसा दराज से यहाँ जो लोग सियासत कर रहे हैं वो कौमी सूबाई सतह पर या लोकल, अभी हम सच्ची बात करें लोग पे नाराज़ होते हैं, शायद उसकी समय दुरुस्त नहीं है, पूरा शहर इस वक्त गंदगी, कोई रास्ता गुजरने के लिए नहीं, कहीं पानी खड़ा है, उसमें लोगों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, तजावजात हमने खुद बढ़ाई हैं, लोगों में किसी सियासतदानों ने कहा था। मुख्तसर से बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग जो हम चुंडा में रह रहे हैं हमें कम अज़ कम शहर की सतह तक एक कैंपेन लॉन्च करना है कि कम अज़ कम इस शहर को गंदगी से आलूगी से बचाएँ, प्लांटेशन की हमें एक मुहिम शुरू करनी चाहिए, और फिर दूसरा मैं समझता हूँ कि मैं शायद अपने दोस्तों से मशवरा भी करूँ कि एज अ होल हमें फोर्टनाइट या वंस इन अ मंथ कोई एक अदबी नशिस्त है ना वो हमें कहीं ना कहीं रखना चाहिए, लाइब्रेरी इस हवाले में है, शेख वसीक साहब उसको बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, तो कोई ना कोई अदबी नशिस्त उसमें कोई मुजाकरा हो, कोई मुशारा हो, उसमें कोई मजमून पढ़ा जाए, एक अदबी जो फिज़ा है ना जो शहर की, मैं समझता हूँ उसके लिए हमें कलेक्टिव कोशिश करना है। सर कभी ऐसा हुआ है कि किसी तालिबे इल्म से आपने कुछ सीखा? बड़ी दफ़ा, बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें, बाज़ औकात ऐसे होता है कि जो है ना शागिर्द वो उस्ताद का इंतज़ार करते हैं क्लास में, लेकिन बाज़ शागिर्द ऐसे भी होते हैं कि उस्ताद उनका इंतज़ार करते हैं। अब मुझे कोई पर्टिकुलरली याद तो नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि
मैं पुलिस एसोसिएशन में गया इंटरव्यू लेने के लिए 2012 में, तो हम चार लोग पैनल में इंटरव्यू कर रहे थे इंग्लिश के लेक्चर के लिए। तो वहाँ एक स्टूडेंट आया, हमने उससे कुछ सवाल पूछे, मेरा ख्याल है शायद उसके कोई 70% या 60% जवाब सही नहीं थे, लेकिन जो 30-40% उसने जवाब दिए उसने मत मार दिया। इसी तरह क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन वो थे, अब नहीं, अब पता नहीं क्या हो रहा है, 1100 में से 1100 नंबर लेके आने वाली लाट जो है ये शायद किसी को कुछ सिखाने वाली नहीं है। हसन जुकर, हमारे माशरे में जिद्दत आ गई है और जिद्दत के कुछ नुकसान भी हैं, तो यकीनन हमारे शहर का बल्कि हमारे सियालकोट ज़िला सियालकोट के ये मौजूद शख्सियत हैं प्रोफेसर महबूब आरिफ साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मरी कॉलेज में, अपनी ड्यूटी जो है ना वो अदा कर रहे हैं, जिम्मेदार शहरी की हैसियत से इन्होंने अपने शहर चुंडा के बारे में जो हकीकत थी वो बयां की। हकीकत थोड़ी तलख होती है लेकिन हमें सुनने का आदी होना चाहिए। सर से एक आखिरी बात कि अपने शहर के लिए खूबसूरत से अल्फाज मोहब्बतों भरा पैगाम अपने शहर के लोगों के बारे में वो अंसार क़िबला टीवी के तौर से। मेरे हिसाब से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैं आज तक इस शहर में रह रहा हूँ, मेरे पास बड़े चांस थे उन लोगों की तरह के जो यहाँ से पढ़े लाहौर शिफ्ट हो गए, यहाँ से पढ़े जी हम यहाँ ये शहर रहने के काबिल नहीं है, हमने इस्लामाबाद चले जाना है, ये शहर रहने के काबिल नहीं, हम गुजरांवाला चले गए, हम जनाब लाहौर चले गए, हम सियालकोट चले गए, ये शहर रहने के काबिल है इसलिए हम रह रहे हैं, कम अज़ कम हम इधर ही रहेंगे जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तो जैसा भी है अपने बड़ी मौज है, तो पाकिस्तान भर घूमते रहते हैं, जब अपने शहर में दाखिल होते हैं उसका अपनी एक सवाल है, अपना पिंड है, अपना शहर है, अपना अपनी धरती है, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाके इसका तारुफ रहेगा किसी को, तो ये नहीं किसी ने दोबारा पूछा कि ये कहाँ पे सही। तो सर ये बड़ा ठीक है, ये सियासत की नज़र हुआ है, शहर में सफाई ठीक नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारा शहर है, सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपने इंतहाई कीमती वक्त से अंसार क़िबला टीवी की टीम को नवाजा, आपके इंतहाई मशकूर हैं, परवरदिगार के हजूर दुआगो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हर पल आपके लिए खैर व आसानियाँ अता फरमाए। दोस्तान ज़ीवकार हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जल्द ही आपको एक नया प्रोग्राम नए अंदाज के साथ अंसार क़िबला टीवी किस के प्लेटफार्म पे आपको दिखलाएंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। शहर चुमिंडा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।